केसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह पर जनवरी महीने में इसी साल कई महिला पहलवानों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। महिला पहलवानों ने धरना भी दिया और ये आरोप लगाए थे कि ब्रजभूषण चरण सिंह ने पल्स रेट चेक करने के बहाने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले पर उनके वकील का अब एक बयान सामने आया है। उनके वकील का कहना है कि बिना यौन इरादे के पल्स रेट चेक करना कोई अपराध नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। ब्रजभूषण चरण सिंह अपने बयानों को लेकर तो विवादों में रहते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा विवाद जो उनके नाम से जुड़ गया है वो है महिला पहलवानों द्वारा लगाया गया यौन शोषण का आरोप। इस मामले को लेकर दो बार पहलवान धरना दे चुके हैं। बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर इन पहलवानों के साथ आम जनता और बड़े चेहरे भी नजर आए, जिन्होंने कई दिनों तक ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। यहां तक कि ये पहलवान अपने मेडल बहाने के लिए गंगा के आसपास भी पहुंच गए थे, पर इन्हें रोक दिया गया था। इस मामले को लेकर अब ब्रजभूषण चरण सिंह के वकील के नए बयान ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह के वकील ने दलील दी कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के पूर्व प्रमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने तर्क दिया कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी ब्रजभूषण ने केवल खिलाड़ियों की नाड़ी की जाँच की थी। उन्होंने कहा, बिना यौन इरादे के पल्स रेट की जाँच करना अपराध नहीं है। दरअसल 6 महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण चरण सिंह और विनोद तोमर पर आरोप पत्र दायर किया गया है। वकील ने तर्क दिया कि ओवरसाइट कमेटी का गठन किसी शिकायत के आधार पर नहीं बल्कि युवा मामले और खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय को टैग करते हुए पोस्ट किए गए ट्वीट के आधार पर किया गया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आंशिक दलीलें सुनने के बाद मामले को आगे की बहस के लिए 19 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया। अदालत में अधिवक्ता राजीव मोहन ब्रजभूषण सिंह की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी 2023 को जंतर मंतर पर पहला विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। 19 जनवरी को पहलवानों में से एक बबिता फोगाट ने केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात की। आगे तर्क दिया कि 20 जनवरी 2023 को खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय को ट्वीट पर टैग किया गया था। भाजपा सांसद सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन ने कहा, इस वक्त तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को भारत सरकार के पत्र के आधार पर ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया था। रिपोर्ट पुलिस आयुक्त नई दिल्ली को भेज दी गई है। भाजपा सांसद का बचाव करते हुए वकील ने कहा कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट आरोप पत्र का एक हिस्सा है और दस्तावेजों पर निर्भर करती है, जिसका अर्थ है कि ये एक भरोसेमंद दस्तावेज है। वकील ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा नोटिस के अनुपालन में इसे पुलिस को आपूर्ति की गई थी। निगरानी समिति के गठन तक कोई लिखित या मौखिक आरोप नहीं थे। सीमा अवधि के बिंदु पर वकील राजीव मोहन ने कहा कि अपराध छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के बीच अंतर है। उन्होंने तर्क दिया कि पहलवानों को अच्छी तरह से पता था कि यौन उत्पीड़न क्या है और यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है, जो 3 साल के बाद समयवर्जित है। उन्होंने कहा, चूंकि मंत्रालय या भारतीय खेल प्राधिकरण SAI को शिकायत नहीं थी, इसीलिए समिति ट्वीट के आधार पर आगे बढ़ी। गौरतलब है कुछ ही वक्त में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बीच ब्रजभूषण सिंह का ये बयान भी सामने आया था कि एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में खड़े भी होंगे और जीत भी उन्हीं को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।